जिला अधिकारी के निर्देश पर बुधवार को बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रविरंजन ने कपसिया पंचायत में विकासात्मक योजनाओं की जांच की। बीडीओ ने आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 184 का निरीक्षण किया, जहां 40 में से 25 बच्चे और सेविका एवं सहायिका उपस्थित पाए गए। शौचालय की स्थिति काफी खराब थी, गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जबकि आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 195 के निरीक्षण के दौरान 40 में से 28 बच्चे और सेविका सहायिका उपस्थित थे। साथ ही यहां भी शौचालय की स्थिति काफी खराब पाई गई। युक्त आंगनवाड़ी केंद्र समेत ब्लॉक के कई पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र पर 9 जुलाई से पोषाहार बंद होने की बात सामने आई है। LS रीता कुमारी ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके बाद उन्होंने पंचायत भवन पर पहुंचकर कार्यपालक सहायक सरिता कुमारी से पेंशन, जाति, आवासीय आय सहित अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी हासिल की। वहीं कचहरी सचिव से अब तक ग्राम कचहरी के माध्यम से निष्पादन हुए मामले को देखा। इसके उपरांत बीडीओ ने कपसिया पैक्स का निरीक्षण किया, जहां पैक्स गोदाम की स्थिति काफी खराब थी। क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस के नीचे सैकड़ों बोरा धान रखा हुआ था, जिस पर बीडीओ ने BCO को पैक्स गोदाम का निरीक्षण कर गोदाम के मरम्मती करने के दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार मिश्र से धान अधिप्राप्ति के संबंध में जानकारी ली और कई किसानों से धान अधिप्राप्ति के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा बीडीओ ने सिस्टम वित्त आयोग मद से 7.12 लाख की लागत से छोटू पत्रकार के घर से पशुपति झा के घर तक निर्मित PCC सड़क और RWD रोड से मोहन ठाकुर के घर तक 5.55 लाख की लागत से निर्मित PCC सड़क का भी जायजा लिया। इसके बाद जब बिमला देवी के जन वितरण दुकान के जांच के लिए पहुंचे तो दुकान बंद पाया गया। मौके पर मुखिया कारी सह पंचायत सचिव नवनीत तिवारी, तकनीकी सहायक, आवास सहायक, राजस्व कर्मचारी PRS अमित आनंद, सरपंच महेश कुमार साह, कचहरी सचिव सुनीता देवी सहित अन्य मौजूद थे। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहु लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर एक घंटे तक सुधार ना हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।